सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। लोकतंत्र के महापर्व में नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर और ओडिशा के मयूरभंज बालासोर में की जनसभा। कहा, जो विकास लोगों ने दशकों में नहीं देखा था वो विकास पिछले 10 साल में देखा है। चौबीस की चुनौती में बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह यूपी में, तो जेपी नड्डा झारखंड और पश्चिम बंगाल में संभाल रहे हैं कमान। नितिन गडकरी की हिमाचल में हुंकार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में, राहुल गांधी पंजाब में, तो प्रियंका गांधी का हिमाचल में प्रचार। वहीं अखिलेश यादव के यूपी के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। 2 जून को करना होगा सरेंडर। भीषण गर्मी से झुलस रहे राज्यों के लिए अच्छी खबर। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 24 घंटे में केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून। फिलहाल आज पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट। केरल के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 28। वहीं बारिश के कहर से असम में 3 और मेघालय में 1 की मौत। और फ्रेंच ओपन में दिखेगा भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। भारत के युकी भांबरी पुरुष युगल मुकाबले करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। वहीं रोहन बोपन्ना आज पुरुष युगल के पहले दौर में अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार के साथ उतरेंगे कोर्ट पर। लेकिन समाचार विस्तार से, सबसे पहले बात 24 की चुनौती की। ओडिशा के मयूरभंज में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में कहा कि बीते 10 साल में देश का आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर तेज विकास हुआ है। जनता को मुफ्त इलाज और मुफ्त अनाज की सुविधा भी मिली है। अब देश ने ठान लिया है कि तीसरी बार भी वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 25 साल से बीजेपी सरकार का नेतृत्व नवीन बाबू कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता को सिंचाई से लेकर कई विकास कार्यों से वंचित रहना पड़ा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता राज्य में भाजपा को चुनने जा रही है और 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तब नवीन पटनायक की कीर्ति सेहत और उसके पीछे की साजिश के अंदेशे का पर्दाफाश होगा। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे
क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है, पर्दा उठना चाहिए ना। इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार, एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। रैली के दौरान प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता एक बार फिर देखने को मिली। उनका भाषण शुरू हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे कि प्रधानमंत्री की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो संभवतः गर्मी की वजह से बेहोश होने की स्थिति में था। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही मंच से अपनी मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टर को उनकी मदद के लिए भेजा। उनको जरा पानी वानी दीजिए, पानी दीजिए, जरा मेरी टीम के डॉक्टर हो तो जरा उनको मदद कीजिए। पहले पानी दो उनको और वहां से उनको बाहर लेने जाने का प्रबंध करो। खुले में लाओ जरा उनको, आराम से, हड़बड़ी मत करो, आराम से। थोड़ी जगह कर दो उनको, थोड़ी हवा मिले ऐसा करो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 4 जून की दोपहर को राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी हार का जिम्मेदार ईवीएम को बताएंगे। सब लोग याद कर लेना, 4 को काउंटिंग है, 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा वाला। देश में आम चुनाव के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी भी लगातार भारतीय राजनेताओं को लेकर टिप्पणी करते रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर लोकसभा चुनाव और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने वाले फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में हर व्यक्ति चाहता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि कश्मीर हो या बाकी भारत के अंदर मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथ विचारधारा का सामना कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी इस आम चुनाव में हारे और पाकिस्तान में हर शख्स यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारे। ये बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाए और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाए। ये जो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की हमायत कर रहे हैं तो जनाब वोटर में, आपका ख्याल है कि इंडियन वोटर बेवकूफ है, जिसको उसको नहीं पता कि उसका फायदा किस में है। इंडियन वोटर का फायदा इसमें है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े, और इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभकामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा सके।
बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने चीन पर बयान को लेकर उन्हें घेरा और कांग्रेस के चाइना प्रेम पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी का चाइना प्रेम फिर से सामने निकल कर आया है। जो अंकल मणि जो प्रथम परिवार के अंकल है मुकुट मणि है, पहले उन्होंने पाकिस्तान प्रेम दर्शाया। ये वही व्यक्ति थे जो पाकिस्तान गए थे मोदी को हटाने के लिए, कह रहे थे पाकिस्तान से हमें घबराना चाहिए। उन पर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब वो कहते हैं कि 1962 में चाइना ने अलेजिडली इन्वेड किया, मतलब कि वो चाइना को किस प्रकार से क्लीन चिट दे रहे हैं। और जो चाइना ने हमारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है अक्साई चीन पर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर, उसको एक प्रकार से व्हाइट वॉश करते हुए चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज, ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो? तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल के कुल्लू में जनसभा की। प्रियंका ने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम छोटे कारोबारियों और अन्य लोगों को रोजगार देंगे। अब हम चाहते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आए तो हम इसको और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी पूरी विचारधारा यह है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी समझ यह है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने बिहार के काराकाट में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब लालटेन का तेल खत्म होने लगता है तब बत्ती भभकने लगती है और यही हाल इस वक्त दिखाई दे रहा है। RJD की हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं RJD के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी देगा? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है। आई घरे में देखले हुआ तो लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगा ला तो बत्तिया भबके ले, जब भबके लगा तो मान ला कि लालटेन बुझाए वाली है और एक तेल खत्म है। यह हाल RJD के लालटेन का ही। जैसे दुनिया की धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से यह कांग्रेस 10 वर्ष के बाद लुप्त हो जाएगी। काराकाट लोकसभा सीट देश पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई दिग्गज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। काराकाट के क्या हैं सियासी समीकरण, देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की रिपोर्ट। सोन नदी के किनारे बसा है डेहरी ऑन सोन, जिसकी पहचान डालमिया नगर के रूप में भी रही है। डालमिया नगर का सीमेंट, डालमिया नगर का डालडा और डालमिया नगर की चीनी का स्वाद अब फीका हो चला है। पत्थर उद्योग समेत अनेक उद्योग धंधे अब बीते जमाने की बातें हो चुकी हैं और डालमिया नगर की बंजर पड़ी जमीन लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। हालांकि यहां के बाशिंदों को इस जमीन पर रेल कारखाने की उम्मीद अब भी लगी है। ये मुद्दा काराकाट लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। डालमिया नगर फैक्ट्री को फिर से चालू करवाना, नोखा बाजार समिति में कम से कम स्टेडियम बने के चाहिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र देश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, जहां भोजपुरी गायक पवन सिंह ने
मुकाबले को त्रिकोणात्मक बना दिया है। शुरुआती दौर में मुकाबला एनडीए और माले के बीच ही नजर आ रहा था, लेकिन पवन सिंह के मैदान में कूदने के बाद सेंधमारी का डर एनडीए को सता रहा है। एनडीए के वोटों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुशवाहा डालमिया नगर में रेल कारखाने के वायदे के साथ चुनाव मैदान में डटे हैं। डालमिया नगर में रेल कारखाना खोलने का एक पुराना प्रस्ताव उस वक्त भी था, आज भी। हमने तमाम बाधाओं को उसी समय दूर कर दिया। अब जहां तक मामला पहुंच गया था, शिलान्यास से उस मामले की शुरुआत होगी और इसी कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी होगा, नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में CPI ML ने पूर्व विधायक और इलाके के बड़े किसान नेता राजा राम सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कुशवाहा बिरादरी से ही आते हैं, जिन्हें इंडी गठबंधन के सामाजिक समीकरणों का आसरा है। इंडिया गठबंधन यहाँ भारी मतों से, बहुत बहुत मतों से आगे है और व्यापक जनता का समर्थन उसे हासिल है, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, सबका। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा ने भले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया हो, लेकिन पवन सिंह काराकाट में अपने स्वजातीय राजपूत वोटरों और समर्थकों के सहारे मैदान में डटे हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, ठीक ना? क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बात है सर। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। कुछ ही महीने पहले पवन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने आसनसोल से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन पवन सिंह टिकट ठुकराकर काराकाट से बीजेपी के निर्दलीय बागी उम्मीदवार बन गए। बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और पूरी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के लिए एकजुट नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 में उपेंद्र पाला बदलकर महागठबंधन के पाले में चले गए थे, जहां उन्हें जदयू के महाबली सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है वो ये कि पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्म स्टार है, उन्होंने एनडीए प्रत्याशी की नींद उड़ा रखी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित जरूर कर दिया है, लेकिन पवन सिंह है कि मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्हें मोदी मैजिक का भरोसा है कि मोदी मैजिक के भरोसे नैया पार जरूर लग जाएगी। कैमरामैन हरेश्वर सिंह और अपने सहयोगी अखिलेश प्रसाद के साथ काराकाट रोहतास से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और मीटर प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का, बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने बलिया में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में औपचारिक रूप से भाजपा का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नारद राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। बागी बलिया, बलिया की पहचान और बगावत का सुर बुलंद किया है नारद राय जी ने। समाजवादी पार्टी छोड़कर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। नारद राय जी, अगले 2 ही दिन अब चुनाव में बचे हैं, आगे का क्या लक्ष्य? 2 दिन नहीं है, 3 दिन है और इसी 3 दिन में समाजवादी पार्टी की तरह ही कर देना है। आपके साथ कितनी बड़ी तादाद में आपके समर्थक, हमने देखा कि राम इकबाल सिंह जी और बहुत सारे लोग शामिल हुए, कितनी बड़ी तादाद में जन समर्थन आपके साथ आया है? ये जितने लोग आए थे, जब आपने देखा माननीय अमित शाह जी ने हमारे सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा कराई तो करतल ध्वन से लगभग 2 लाख लोगों ने स्वागत किया, सभी लोगों का आशीर्वाद स्नेह मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे नया और छोटा कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में पहली बार बोल रहा हूं और भरोसा करूंगा जिंदगी भर मजबूती से काम करके जो लोग मजबूत हैं
उनके बराबर नहीं, बगल में खड़ा रहने का काम कर। बस एक सवाल और कि क्या वजह थी, लंबा संघर्ष, लंबा समय आपने दिया, 4 दशक मुलायम सिंह यादव के साथ आप रहे, लेकिन अखिलेश और मुलायम में क्या अंतर दिखता है, और आज जहां समाजवादी पार्टी खड़ी है क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, माननीय नेताजी में और अखिलेश यादव जी में जमीन आसमान का फर्क है। माननीय नेताजी ने जमीन से समाजवादी पार्टी को उठा करके आसमान पर पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक समाजवादी पार्टी को फैलाने का काम किया था। फर्क यही है कि अब अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी नेताजी ने आसमान पर पहुंचाया था, उसको जमीन में गाड़ने का इंतजाम कर रहे हैं और नारद राय कार्यकर्ता जैसे कार्यकर्ताओं को धोखेबाज बता रहे हैं। पूरा परिवार और कुनबा ही टिकट लेता है, याद एक बिरादरी को ही लेके वो चलते हैं। अगर देखें तो घर के ही लोग इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, किस रूप में देखते हैं उनके इस अप्रोच को? नेताजी ने कभी जाति देखे न धर्म देखे। नेताजी हमारे जैसे सामान्य परिवार के ब्राह्मण भूमिहार के लड़के को जमीन से उठा करके विधानसभा में पहुंचाया, मंत्री बनाया। देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भारी समर्थकों के साथ नारद राय ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, राम इकबाल सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। देखना दिलचस्प होगा कि अब जबकि 2-3 दिन ही बचे हैं चुनावी जंग में, तो आज बलिया की जंग का क्या होता है। निश्चित तौर से लड़ाई बेहद दिलचस्प है और भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त लेते हुए दिखती है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा यहाँ हैट्रिक लगा पाती है या फिर समाजवादी धड़े से निकले हुए ये लोग समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुँचाते हैं। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज बलिया। तो इसके साथ ही 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। जिनेवा में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्लेनरी सेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उत्पादों तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने का है। इसके लिए भारत का WHO के साथ मिलकर दवा नियामक प्रणाली को और मजबूत करने का इरादा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि पिछले दशकों में MMR और IMR में महत्वपूर्ण गिरावट दिखाते हुए भारत SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है। विश्व स्वास्थ्य महासभा के दौरान भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रदर्शन किया गया। इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से स्वास्थ्य सेवा वितरण और वित्तीय लेनदेन में आई क्रांति की झलक देखने को मिली। इस दौरान भारत के भविष्य और उससे आगे के लिए व्यापक संभावनाओं पर भी नजर डाली गई। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोविड से निपटने के लिए भारत में 2.2 बिलियन वैक्सीन डोज, सीमलेस हेल्थ रिकॉर्ड शेयरिंग, टेलीमेडिसिन एक्सेस और बीमा प्रणाली की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।